उत्तराखंड में एक बार फिर मनरेगा कर्मचारी हड़ताल करने का मन बना रहे हैं। आज मनरेगा कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुंदरमणि सेमवाल ने डूंडा ब्लॉक कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले साल 2022 में मनरेगा कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर 84 दिनों तक हड़ताल की थी, जिस पर सरकार ने उनको मानदेय बढ़ाने और हड़ताल के दिनों में वेतन देने की मांग को मानते हुए मनरेगा कर्मचारियों का धरना समाप्त करवाया था। लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी मनरेगा कर्मचारियों का ना तो मानदेय बढ़ा है और ना ही हड़ताल के दिनों का वेतन उनको मिल पाया है। यही कारण है कि अब मनरेगा कर्मचारी अपने हड़ताल के 84 दिनों का मानदेय को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को जल्द से जल्द रुके हुए वेतन को देने की मांग की है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में मनरेगा कर्मचारियों द्वारा जो 2021 में हड़ताल हुई थी, हम लोगों की 84 दिन की हड़ताल थी। हड़ताल को समाप्त इस बेस पर कराया गया था कि आपको हड़ताल अवधि का मानदेय दिया जाएगा, लेकिन अब तक वह वेतन हमें नहीं मिला है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 31 दिसंबर 2021 की कैबिनेट में यह निर्णय लिया था कि मनरेगा कर्मी को हड़ताल अवधि का वेतन मिलेगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा कैबिनेट में दोबारा से मुख्यमंत्री बने हैं, परंतु अभी तक उनके आश्वासन ही मिल रहे हैं। बार बार हम मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी से भी मिले हैं, और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आप लोगों को हड़ताल अवधि का वेतन दिया जाएगा, परंतु इतना समय हो चुका है, 1 साल से ऊपर हो गया है, दूसरा 2 साल होने वाले हैं, अब तक हम लोगों को हड़ताल अवधि का वेतन नहीं मिल रहा है। पूरा प्रदेश इसे बहुत दुख व्यक्त करता है और रोष है सभी मनरेगा कर्मचारियों के। हम लोगों को हड़ताल अवधि का वेतन मिलना चाहिए, बस यही हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है।